आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिले भर के गिट्टी क्रेशर संचालक और खनिज विभाग की मिलीभगत से गिट्टी के ट्रक एक रॉयल्टी पर चार चार चक्का लगा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एमपी न्यूज के संवाददाता गिट्टी क्रेशर संचालक के यहां पर अपनी टीम के साथ गाड़ियां भरवाने के लिए भावताव करने पहुंचे। तब सारी सच्चाई मां शारदा क्रेशर स्टोन और जेपी इंफ्रा क्रेशर स्टोन के मुनीमों द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकार कर ली गई कि कैसे पूरा नेक्सस बिछाया गया, जिसमें न केवल दर्जनों थानों का पुलिस बल, न माइनिंग टैग और न ही प्रशासन कारगर है। दरअसल भिंड जिले में गिट्टी रेत का ट्रांसपोर्टेशन बड़े पैमाने पर किया जाता है और वर्तमान में यहां गिट्टी परिवहन जोरों पर है, और इसका बड़ा कारण है राजस्व की चोरी और गाड़ी वालों का बढ़ता मुनाफा। जब खदान पर पहुंचकर गिट्टी भरवाने के लिए मुनीम से बात की तो उसने बताया कि हम रॉयल्टी का समय बढ़ाकर दे देंगे, आप कितने घंटों का समय चाहते हो उतना मिल जाएगा, और यदि आप कहीं और से भी रॉयल्टी कटवा लो या ना कटवाओ, हम आपको यहां से गिट्टी की गाड़ी भरवा देंगे। ये कहते हुए कैमरे में कैद हो गए। गिट्टी परिवहन करने वाली गाड़ियां एक बार रॉयल्टी कटवाकर उसी खदान से या अन्य खदान से गिट्टी भरकर परिवहन करती हैं, जिसमें पर्याप्त समय और लंबी दूरी का हवाला दिया जाता है, जबकि गाड़ी भिंड से निकलकर इटावा या उसके नजदीकी शहर या इलाकों में ही खाली होती है। जानकारी के मुताबिक जब पड़ताल में टोल टैक्स पर गाड़ियों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री पता की गई तो होश उड़ गए। गाड़ियां महीने भर में दो दर्जन से अधिक चक्कर लगा रही हैं और रॉयल्टी मुश्किल से आधा दर्जन ही कट रही है, जिससे भिंड जिले को राजस्व की हानि हो रही है। उदाहरण के तौर पर यूपी 75AT4782 नंबर की गाड़ी ने मई महीने में 10 बार रॉयल्टी कटवाई लेकिन चक्कर 27 से अधिक लगाए। इस तरह एक महीने में कुल 17 बार बिना रॉयल्टी कटवाए शासन को 38,250 रुपये का चूना लगा दिया, और जिले में ऐसे 1,000 गाड़ी से अधिक गिट्टी परिवहन करती हैं और आंकलित रॉयल्टी चोरी की बात की जाए तो एक गाड़ी एक वर्ष में लगभग 4,59,000 का राजस्व चोरी कर रही है, जिससे शासन को पिछले वर्ष से अब तक एक वर्ष में 1,000 गाड़ियों ने लगभग 45,90,00,000 का चूना लगाया है। हालांकि पड़ताल की जाए तो यह आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है, बावजूद इसके प्रशासन के पास राजस्व चोरी रोकने के इंतजाम नाकाफी हैं। राजस्व चोरी रोकने के लिए भिंड के पास खनिज विभाग है, चेकिंग के नाम पर दर्जनों थाने का पुलिस बल है और अंत में माइनिंग चेक पोस्ट भी है और टेक्नोलॉजी के नाम पर माइन टैग से चेकिंग की व्यवस्था है। बावजूद इसके गिट्टी का अवैध परिवहन जोरों पर है। माइन टैग को चेक न कराते हुए गाड़ियां वहां तैनात कर्मचारियों से गठजोड़ कर बाहर से ही निकाली जा रही हैं। रॉयल्टी पपत्रों पर जगह के नाम के हिसाब से दूरी अपने मन से बढ़ा दी जाती है, जिससे समय बढ़ाया जा सके, और जिसमें दिलचस्प बात तो यह है कि गूगल मैप पर गाड़ी भरे जाने वाले संबंधित क्रेशर से प्रपत्रों पर चिन्हित स्थानों की दूरी में सैकड़ों किलोमीटर का अंतर मिला है, जो साफ साफ शासन के साथ धोखाधड़ी का इशारा करता है। हालांकि पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कहा है कि वो एसडीएम और खनिज विभाग से संयुक्त जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल देखा जाए तो शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है, जिसमें कई सफेदपोश और अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा इस बिछाए गए जाल में कितने बुनकर हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और बाकी बाकी कितने रुपया ले रहे हैं, मतलब वो घंटा कितने देंगे, घंटा कितने देंगे, घंटा बेदा 66 दे रहे हैं। हाँ जैसे आप बनवाओ भाई साहब से घंटा दे देंगे हम। मतलब हमारे सबसे ज़्यादा बंदी 1,000 किलोमीटर 1,100 किलोमीटर भागलपुर की हुई। भिंड जिले में सर बिना रॉयल्टी के बहुत सारी गिट्टी गाड़ियां निकल रही हैं। कोई गिट्टी गाड़ियां हैं वो एक रॉयल्टी पर 80-80 घंटे का टाइम लेके और फिर लगातार 4 चक्कर 3 चक्कर लगा रही हैं, सर ऐसे राजस्व की चोरी हो रही है, क्या कहेंगे इसमें? जैसे इन्फॉर्मेशन आपने बताए हैं तो इसमें एसडीएम्स माइनिंग ऑफिसर और इसमें टीम को गठित करके इसमें जांच करके विधिवत जो कार्रवाई है हम बिल्कुल करेंगे। और सर माइन टैग से भी गुजरती हैं तो गाड़ियाँ वो माइन टैग से नहीं गुजार रहे हैं। हाँ है ना, और वहाँ पे खदान संचालक हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें रॉयल्टी से कोई मतलब नहीं, आप तो यहाँ से गाड़ी भरवाइए आप ले जाइए। बिल्कुल इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी,
टीम गठित करके जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे।